गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं बताऊंगा लेसन नंबर पार्ट टू। मैंने इससे पहले भी लेसन नंबर पार्ट वन डाला है, मेरे चैनल पे है, प्लीज उसे देख लीजिए, फिर ये आपको समझ आ जाएगा। अब चालू करते हैं। लेसन नंबर टू का नाम है डिटेल्स ऑफ हेड एंड नेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से चालू होता है। हेड से इन सारे के नाम बता देता हूँ, यहाँ से चालू होता है। देखिए ऐसे शब्दों में कैसे ये समझ आया, तो एवरी ए डिजर्व गर्ल ब्यूटीफुल आई, ऐसे समझाने के लिए। जब जब आपको इनके स्पेलिंग्स नहीं समझ आता ना, अपने बुक में लिख लीजिए कि जब जब समझ नहीं आता ना, फिर इस वो ये लिख दीजिए एवरी ए डिजर्व गर्ल ब्यूटीफुल आई, ऐसे। ओके गाइस, अब इन टोटल सिक्स रहते हैं, इनमें ट्यूनिंग पीस उनके बाद नेक्स्ट आता है नेक का। नेक का भी पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी नेक का पार्ट बोलने से पहले मैं ये भी भूल गया, ई दोनों ई सेम आपको समझ नहीं आएगा, कभी कभी ये ई का मोटा रहता है आवाज, देखिए जोर से आवाज होती है ऐसी गूंजती है बहुत ज्यादा, और ये पतली सी रहती है, कम आवाज आती है, पर छोटे से आवाज आती है, ये गिटार में बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों, इन दोनों को ई कहते हैं। ओके, अब बोलता हूँ नेक के पार्ट की बात। नेक का पार्ट यहाँ से चालू होता है, ये इम्पोर्टेंट रहता है, मैंने लेसन नंबर फर्स्ट में भी सिखाया था। ये थ्री, इन नंबर बता रहा हूँ इनके, थ्री फाइव सेवन नाइन, ये दोनों ट्वेल्व। ये एक्स्ट्रा कभी कभी आ जाते हैं, पर टेंशन मत लो, ये तभी भी गिटार अच्छा रहता है, तभी भी कुछ नहीं होता। इनको याद कर लीजिए, थ्री फाइव सेवन नाइन ट्वेल्व, ये ट्वेल्व क्यों, ये वन ये टू, ऐसे। ओके, जिन जिन गिटारों में ऐसा नहीं रहता तो यहाँ पे रहता ही रहता है, देखो यहाँ वो भी सेम ही है, थ्री फाइव सेवन नाइन, ये ट्वेल्व, यहाँ पे भी दो है, देखिए इसलिए ये सेम रहता है, इसमें टेंशन की बात नहीं। किन किन गिटारों में यही रहता है, किन किन गिटारों में बस ये रहता है, कभी कभी दोनों में भी रहता है, यहाँ पे भी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाय।